हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ गाइडवे। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म है गाइडवे और स्लाइडवे। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने लिखा है स्लाइडवे और मैं जो प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ वो है हमारा गाइडवे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। गाइडवे और स्लाइडवे का दोनों का मतलब समझेंगे कि क्या होता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि गाइडवे और स्लाइडवे दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, एक ही मतलब है, बट एक ही मतलब नहीं है, इसे कुछ ना कुछ टर्म्स हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो गाइड और स्लाइडवे का मतलब है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कभी भी जब हम कोई ऑपरेशन के दौरान या फिर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान, ये वर्कपीस है और ऊपर से हमारा टूल है। तो एक वर्कपीस पे अगर जब हम टूल का कभी भी आपस में इंटरेक्शन होता है, तो इन दोनों के इंटरेक्शन होने के बीच में अगर हम गाइडवे का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगी, और फ्रिक्शन होने के कारण या तो वियर होगा या हमारा टियर हो जाएगा, चाहे वो वर्कपीस हो चाहे वो हमारा टूल हो। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने यूज किया स्लाइडवे का या फिर गाइडवे का। अब गाइडवे भी हमारे दो तरीकों से होता है, या तो वो हो सकता है हमारे रोलर तरीके से, या फिर हमारा हो सकता है वो फ्लैट सर्फेस पे यानी कि स्लाइड तरीके से। और विस्तार से बताता हूं, जो टर्म है स्लाइड और जो टर्म है गाइड। स्लाइड का मतलब यह है लीनियर मोशन की बात कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि जो गाइडवेज होते हैं, तो गाइडवेज क्या करता है, कभी भी वर्कपीस और टूल के बीच में जब उसमें फ्रिक्शन जनरेट होती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं या जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्लाइड। लेकिन स्लाइड का नाम इसलिए पड़ा कि वर्कपीस और ये मेरा टूल, इन दोनों के बीच में जब लीनियर मोशन होंगे यानी कि लीनियर मूवमेंट होगा इन दोनों के बीच में, और जब वहां हम यूज करेंगे जिस डिवाइस का है, तो उस केस में हम कहते हैं स्लाइड वे। जैसे आप देख सकते हैं फ्लैट स्लाइड वे में यहां पे ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा फिक्स्चर्स है नीचे का, और ये मेरा है टूल। तो जब टूल यहां पे आ रहा है तो यहां पे जो वाला पार्ट देख रहे हैं हैचिंग वाला पार्ट है, ये है मेरा क्या फ्लैट स्लाइड है। यानी कि सिंपली कह सकते हैं यहां पे जो मूवमेंट्स होगी, यहां पे जो फ्रिक्शन होंगी, अगर अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो यहां पे जो यूज होता है इसको हम कहते हैं क्या स्लाइड वे। और एक और होता है हमारा एंटी फ्रिक्शन वेस। तो एंटी फ्रिक्शन वेस इस फ्लैट सरफेस से यूज नहीं होता, यानी कि हमारा जो लीनियर मोशन उसमें नहीं, जब हमारा वर्कपीस और टूल के बीच में कोई एंगुलर मूवमेंट हो, यानी कि वहां पे किसी भी तरीके का रोलर या फिर बॉल बेयरिंग हो, तो उस केस में हम कहते हैं एंटी फ्रिक्शन वेस कहते हैं। तो आप ये मतलब समझ गए होंगे कि गाइडवे क्या करता है, किसी भी मैकेनिकल गाइडेंस देता है किसी भी वर्कपीस और टूल के बीच में। तो यहाँ पे ये चीज समझ गए होंगे। यही जो मेरा गाइडवे है ये भी चार तरीके से होते हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज को समझते हैं। पहला आता है मेरा फ्लैट स्लाइडवे। आप देख सकते हैं ये है मेरा वर्कपीस, और सपोज मान लीजिए मेरा पे टूल है, और यहां से मेरा नीचे फिक्स्चर है या फिर मेरा बेस है, जो कि इसमें मेरा वर्कपीस फिक्स है। यहाँ पे ये जब जैसे ही टूल यहाँ पे अगर आता है और ये मेरा वर्कपीस है, तो जब ये टूल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो सकती हैं, या फिर मिस अलाइनमेंट के कारण यहाँ पे कुछ क्लियरेंस भी रहेंगी। तो इस क्लियरेंस को या फिर इस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने यूज किया ये जिब स्ट्रिप का। अब जिब स्ट्रिप सिंपली ये है कि यहाँ पे कभी भी जब मिस अलाइनमेंट्स होती हैं, अगर वर्कपीस और टूल के बीच में किसी तरीके कोई मिस अलाइनमेंट्स होती हैं, तो वहां पे जो हम जिब स्ट्रिप का यूज करते हैं, तो वही मेरा क्या कहलाता है जिब स्ट्रिप, यानी कि ये अलाइनमेंट्स को दूर करता है। यहाँ पे कोई क्लियरेंस आ जाता है तो उस जगह पे हम इस जिब स्ट्रिप का यूज करते हैं, या सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है स्लाइड वे। यहाँ पे जो शेपिंग है वो कुछ फ्लैट तरीके से है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया फ्लैट स्लाइड वे, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट्स होंगे वर्कपीस और टूल के बीच में एक लीनियर मोशन में है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लैट स्लाइड वे का यूज करते हैं। सेकंड आता है मेरा वी एंड फ्लैट स्लाइड वे। अब यहां पे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मेरा कुछ वी तरीके से शेप बना हुआ है, एक उल्टा वी। तो यहां पे जो वी एंड फ्लैट दोनों का टर्म यूज हुआ ये है कि अगर सपोज मान लीजिए यहां पे अगर कोई भी फ्रिक्शन जनरेट होती है, तो यहां पे ये इस तरीके से पोजिशनिंग रहेंगी इसकी, और यहां से ये एलिमिनेट करेगा, यहां पे फ्रिक्शन हो चाहे क्लियरेंस हो उसको दूर करेगा। और अगर इनकेस सपोज मेरा इस जगह पे या फिर इस जगह पे कभी अगर क्लियरेंस आता है या फिर फ्रिक्शन आती है, तो हमारा ये जो पोजीशनिंग है इसकी वो कुछ इंक्लाइन फॉर्म में हो जाएगी, यानी कि वी शेप में भी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे दोनों नाम दिया गया कि वी एंड फ्लैट स्लाइड वे, हमारा यहाँ ऐसा भी यूज होता है। थर्ड आते हैं हमारा डवटेल स्लाइड वे। डवटेल स्लाइड वे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा वर्कपीस है, यानी कि सपोज मान लीजिए ये मेरा टूल है और ये मेरा वर्कपीस का बेस है, तो यहाँ पे कभी भी जब एक्सेसिव अमाउंट में या हैवी लोड में जब फोर्स एग्जर्ट होता है कुछ इंक्लाइन फॉर्म में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस जगह जो हम स्लाइड वे यूज करते हैं, या फिर हम जो जिप का यूज करते हैं, जिप स्ट्रिप का यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे जब कभी भी अपवर्ड थ्रस्ट लगे या फिर अपवर्ड फोर्स लगे या डाउनवर्ड फोर्स लगे टूल के द्वारा, तो उस केस में हम डवटेल स्लाइड वे का यूज करते हैं। लास्ट आता है हमारा रोलर एंड
बॉल स्लाइड वे। अभी हमने जो तीन टाइप्स पढ़ा, इन तीनों टाइप से हमने देखा कि यहाँ पे लीनियर मोशन की ही बात चल रही है, यानी कि लीनियर मोशन ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक रोलर वाला चीज देखे, यानी कि सपोज मान लीजिए ये मेरा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यानी कि टूल के द्वारा यहाँ से फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और ये मेरा नीचे का वर्कपीस है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन जनरेट होता है तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये बॉल हो रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉल होते हैं तो इसके कारण इन दोनों के फ्रिक्शन एलिमिनेट करने के लिए, या फिर किसी प्रकार का क्लियरेंस होता है इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे रोलर का यूज किया। तो इस वाले गाइड वेस को हम कहते हैं एंटी फ्रिक्शन वेस कहते हैं, क्योंकि अगर कभी भी रोलर का केस आए या फिर बॉल की केस आए तो उस केस में हम गाइड का नाम हो जाता है एंटी फ्रिक्शन वे, और अगर वो एक लीनियर मोशन पे है तो उस केस में हम कहते हैं स्लाइड वे, जैसा कि आपने यहाँ पे स्लाइड वे पढ़ा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे स्लाइड वे क्यों लिखा है, तो आप इसको एंटी फ्रिक्शन वे भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, एंटी फ्रिक्शन वे भी आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गया होगा कि क्या है स्लाइड वे एंड क्या है गाइड वे, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक शुक्रिया।